है, आज मेरा बर्थडे भी है, 12 जनवरी को बर्थडे रहता है। मम्मी पापा से भी आशीर्वाद ले लिया है, से देखो भाई सनसेट के नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। सनसेट की जो लालिमा है गजब की लग रही है। कि नेपाल जाना मेरा भी अपना एक छोटा सा ड्रीम है। वैसे मेरा जो ड्रीम प्लेस था वो था मनाली लद्दाख था, पर मनाली लद्दाख मैं दो बारी कर चुका हूँ। गुप्तकाशी मार्केट पे मस्त वाली धूप लग चुकी है। तो फिलहाल अपने मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी सी धूप भी निकल चुकी है और बाकी अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहा है और अब जाके मैं भी उठ रहा हूँ, बाकी हाथ मुंह धोते हैं फिर मिलते हैं आपको। चलो फिलहाल एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और मेरे इस गांव से। कि अभी सुबह के करीब 9 बज चुका है, मस्त वाली धूप लग चुकी है, अब मैं भी निकलता हूँ मस्तूरा के लिए। पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ फिर निकलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे भाई? जा रही। अच्छा देड़ा जा रही है। अब छोटू कहाँ जा रहा? उनके साथ। कहाँ क्या? तो फिलहाल ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और पूजा पाठ भी कर दिया है। आज ब्रेकफास्ट में है मंडवे की रोटी है और मंडवे के पराठे हैं और हरी सब्जी है और चटनी है, चाय है। बाकी ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या देना? चश्मा नहीं चाहिए। बाकी आज अंशिका और भी चले जाएंगे अपने नाना औरों के यहाँ पे और उनके साथ ना छोटू भी जा रहा है। आज का दिन वैसे मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, आज मेरा बर्थडे भी है, 12 जनवरी को बर्थडे रहता है और मेरा हो गया और परवीन का हो गया। लगभग क्रिकेट के टाइम पे हम दोनों साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेशन कर देते हैं। बाकी पूजा पाठ भी कर दिया है और मम्मी पापा से भी आशीर्वाद ले लिया है। लाइफ में जो उलझने चल रही हैं वो उलझने दूर हो जाए बस। बाकी चलो यार चलते हैं। तो चलो भाई फाइनली हम लोग भी निकल चुके हैं मस्तूरा से गेट के लिए और आज गेट में हमारा लीग मैच है और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को गेट में जाना है, पर जाना कब था वो डिसाइड नहीं हो रहा था। तो आज सभी लोग निकल गए हैं और बाकी आज हमारी टीम में जो चेंजिंग है वो है, आज प्रमोद मामा है हैप्पी है और प्रमोद है करोखी से, क्योंकि वहाँ पे जो लेफ्ट आर्म का ना जो लेफ्टी का जो वहाँ पे प्लस पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है और पहाड़ों में ज़्यादातर लेफ्टी के लिए अच्छा बना होता है। तो चलो अब चलते हैं। हम लोग भी पटालीधार में पहुंचने वाले हैं और आजकल जो पहाड़ों के नज़ारे हैं वो कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो धुंध है ना धुंध की वजह से चारों ओर पूरा पैक हो रखा है। अब देखो सामने के पहाड़ अब धीरे धीरे ना क्लीन दिखने लगे हैं, जैसे इस वाले एरिया पे धूप नहीं लगी है तो यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि हाथ एकदम से सुन्न हो जा रहे हैं। बाकी चलो जहाँ पे धूप है वहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ सेक लेते हैं फिर। बाकी सामने गुप्तकाशी मार्केट पर मस्त वाली धूप लग चुकी है और अभी ऊखी मठ पर धूप तो लग गई है पर उतनी अच्छी धूप नहीं खिली है, क्योंकि जो धूप मेन पहले तो उधर लग जाती है उसके बाद इस वाले साइड में लगती है। और जब जब मैं इस वाले रूट पे आता हूँ ना तब तब ये मान के चलो कि जो चौखंबा के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना वो यहीं से सबसे बेस्ट दिखाई देते हैं। यहाँ से हो गया और दूसरा मनसूना से हो गया, क्रिस्टल की तरह ना क्लियर दिखाई देता है। बाकी और जगह से मुझे इतना नहीं लगा पर जितना इन वाली जगह से लगा देखने में काफ़ी अच्छा सा लगता है। और बाकी इस वाली जगह पर है माँ चंडिका का छोटा सा टेम्पल, लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तब जाके हम लोग भी गैड़ गांव में पहुंचेंगे।
बाकी आलोक भाई औरों का जो पुराना घर है वो यहाँ पे है। आजकल आलोक भाई नेपाल टूर पे जा रखे हैं और वहाँ के जो मस्त मस्त नज़ारे हैं ना उनको दिखा रहे हैं, और देखने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है क्योंकि नेपाल जाना मेरा भी अपना एक छोटा सा ड्रीम है। वैसे मेरा जो ड्रीम प्लेस था वो था मनाली लद्दाख था, पर मनाली लद्दाख मैं दो बार ही कर चुका हूँ और अभी नेपाल का सोचा हुआ है कि नेपाल भी जा सकते हैं। जो सविता मैम और रफ़ा थी साथ में, तो रफ़ा से मेरी बात हुई थी कुछ टाइम पहले, तो रफ़ा बता रही थी कि नेपाल का प्रोग्राम बनाते हैं, नेपाल चलते हैं, पर देखते हैं कि क्या होता है और कैसे करके ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कब कहां से कहां आ जाए, तो इसलिए मार्केट के एरिया में जितना स्लो चलो उतना बेस्ट है क्योंकि छोटे बच्चे कहीं भी आ जा सकते हैं भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है। हैप्पी बर्थडे ब्रो। धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल हम लोग भी ग्राउंड पे पहुंच गए और जो पिच है वो कुछ इस प्रकार बनी हुई है और जो यहाँ की जो बाउंड्रियाँ हैं वो सीधे नीचे रोड पे है, और अभी कुछ देरी में मैच भी शुरू हो जाएगा और मैच को देख के तो ये नहीं लग रहा है, मतलब जो पिच है पिच में ज़्यादा कुछ ऐसी नमी तो है नहीं, इसलिए हम लोग टॉस जीतेंगे तो बैट फर्स्ट ही लेंगे क्योंकि पिच में कुछ नमी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। जो चौके छक्के हैं वो इस साइड में तो खैर काफ़ी नज़दीक है, और ये वाले साइड में भी अगर लेफ्ट हैंड अगर आ गया बैट पर आ गया तो काफ़ी अच्छी बाउंड्रियाँ हैं, तो लगभग सभी लोग पहुँच गए। फाइनली मैच भी ख़त्म हो गया है और हम लोग आज जो पहला लीग मैच था लीग मैच जीत चुके हैं। वैसे हम लोग प्री क्वार्टर क्वार्टर सेमीफाइनल इस दौर में इस सीज़न में कंटिन्यू बाहर हुए हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काफ़ी दुखद रहा है, और इस बारी यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी हैप्पी ने काफ़ी अच्छा खेला और देवेंद्र भाई ने काफ़ी अच्छा खेला, देवेंद्र भाई ने लगभग 52 रनों का योगदान दिया टीम के लिए और हैप्पी ने लगभग 38-40 रन का योगदान दिया। मार्केट में पहुंच गए हैं और पहुंचते पहुंचते लगभग 2 बज गया है, मतलब पहला मैच खत्म होते होते ना 2 बज गया है, और ये दिक्कत ना सबसे ज़्यादा है। अब जब तक ये जाम वगैरह की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तब तक तो बहुत मुश्किल है। कि ये लोग लगे हैं जो परवीन और मेरा जो बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन पे, बाकी थैंक यू पूरी टीम के लिए। अब यहाँ से नीचे देखो भाई कितनी गहरी खाई है, अगर गलती से कोई नीचे गिर गया ना कसम से सीधे नीचे इस वाली जगह रुकेगा, अदरवाइज कहीं रुकने के लिए है ही नहीं। बाकी धुंध देखो कितनी ज़्यादा है, सामने के गांव पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ सामने कोई गांव भी है। तो फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं सरसोली धार में, और यहाँ पे जो हमारी टीम के जो जितने भी मेंबर हैं सभी ने यहाँ पे एक छोटा सा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है उसको रखा हुआ है। चलो केक वगैरह कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी निकल जाते हैं घर के लिए।
पहले तो हैप्पी बर्थडे। वैसे सेम टू, वैसे तो सुबह को भी मिल गए थे, पर परवीन और मेरा बर्थडे आज ही है। और जब भी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो लगभग हम हमेशा मैच ही में रहते हैं। बाकी पूरी टीम के लिए ना थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ किया। चलो भाई चल परवीन, देख भूख मान जाता। भूख तो लगी चुकी है, अब केक ही से फिलहाल जो अपना पेट पेट है उसको भरते हैं। तो अभी हम लोग छतरीदार में, और यहाँ से देखो भाई सनसेट के नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। सनसेट की जो लालिमा है गजब की लग रही है, और कुछ टाइम में सनसेट भी ढलने ही वाला है।